गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। सो इस वीडियो में हम आगे वाला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन का। तो पिछली वाली वीडियोस में हमने क्या किया था, कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे पहले वीडियोस में। अब हम यहाँ पे उसी टर्म्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ आपकी टर्म्स रह गई थी, उसके बाद हम कम्युनिकेशन के फीचर्स डिस्कस करेंगे और जो डेफिनेशंस दी हुई है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम की, ठीक है, हमारे पास दो तरीके की कम्युनिकेशन होती है, एक फॉर्मल और दूसरी होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम। जब हम फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं वो किस में आता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें आपने देखा होगा ये आपकी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा यूज की जाती है फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे आपको फॉर्मल मैसेज मिलता है किसी काम का, किसी वर्क का, किसी आपका कोई पॉलिसीज हो, कुछ अपनाना हो, कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना हो, तो आपके बहुत ज्यादा फॉर्मल तरीके से यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। और ऑफिशियल तरीके से जो बात की जाती है दैट कम अंडर फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल में क्या है, यहाँ पर आपका अनऑफिशियल तरीके से, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, घर में बात कर रहे हो, रिलेटिव से बात कर रहे हो, तो वो सारा क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, जिसमें आप कैसे बात करते हो, इनफॉर्मल तरीके से बात करते हो, नॉन ऑफिशियल तरीके से यहाँ पे बात करते हो, तो वो किस में आता है, इनफॉर्मल में आता है। तो यहाँ पे देयर आर टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, एक आता है फॉर्मल और सेकंड वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। तो मैं अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करूं तो कम्युनिकेशन लिंक्स एंड नेटवर्क डिटरमाइंड एंड सेक्शन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का आप यहाँ पर फ्लो, इस इधर फ्लो होता है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का, मतलब हम यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो हम ऑफिशियल तरीके से अपना शेयर करते हैं थ्रू प्रॉपर प्री डिफाइंड चैनल्स एंड रूट्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू द चैनल्स। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड एंड नीड्स डेलिबरेट एफर्ट टू प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। इसमें क्या हो रहा है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है इन अ फॉर्मल वे। जैसे आपने कंपनीज में देखा होगा, ऑर्गेनाइजेशंस में देखा होगा, वहां पर जब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं वो किस में आता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। अगर मैं गैंग प्लैंक की बात करूं तो गैंग प्लैंक का मतलब क्या होता है, गैंग प्लैंक का मतलब होता है जो हॉरिजॉन्टल चेन होती है कम्युनिकेशन की, उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक बोलते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, बिटवीन द एम्प्लॉयज ऑन द सेम हायरार्की लेवल बट इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयज की पोजीशन जो है, ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉयज है, मान लो उनकी पोजीशन क्या है, सेम है, लेकिन वो दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक बोलते हैं, या फिर इसको हॉरिजॉन्टल चेन ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। गैंग प्लैंक रेफर्स टू एन अरेंजमेंट इन विच टू मैनेजर्स वर्किंग एट द सेम लेवल, जहां पे दो मैनेजर है, दोनों की पोजीशन क्या है, सेम है, दोनों मैनेजर है, बट उनका डिफरेंट, इनका डिपार्टमेंट क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरीके की कम्युनिकेशन को आप गैंग प्लैंक या हॉरिजॉन्टल चेन ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन होता है एक इनफॉर्मल तरीके से, जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, ठीक है, थीके? तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का मतलब क्या है, जो भी यहाँ पर इनफॉर्मल चैनल्स होते हैं, जैसे आपकी फ्रेंडशिप हो गई, एक्वेंटेंस हो गई, ये सारे क्या है, आपका ग्रेप वाइन है। ग्रेप वाइन को आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जो कि कैसी होती है, फॉर्मल होती है, विद इन द ग्रुप और इंडिविजुअल, ये सब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जो कि एक फॉर्मल तरीके से करी जाती है। नेक्स्ट आता है पैरा लैंग्वेज, ठीक है। पैरा लैंग्वेज का क्या मतलब, ये सारी टर्म्स है जो मैं आपको करा रही हूँ, ये टर्म्स जो है आपका आगे यूज होने वाली है। पैरा लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब मैंने आपको बताया है ना कि दो तरीके की कम्युनिकेशन होती है, जब आप बोल के करते हैं दैट इज वर्बल, नॉन वर्बल में क्या है, जब आप यहाँ पे नॉन वर्बल क्यूज एड करते हैं, जैसे आपका जेस्चर, ठीक है, एक्शंस, ये सब क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो पैरा लैंग्वेज क्या है, जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैरा लैंग्वेज, ठीक है। जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हो अपने स्पीच को डिलीवर करने के लिए, अपने एक्शन से, अपने जेस्चर से, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। नाउ वी स्पीक पैरा लैंग्वेज व्हेन वी गास्प, साय, क्लियर आवर थॉट्स, चेंज आवर टोन, विस्पर, शाउट, एम्फेसाइज सर्टेन वर्ड्स, वेव और हैंड्स,
फ्रॉन और स्माइल, लाफ और क्राई, ये सारे क्या आते हैं, नॉन वर्बल क्यूज आते हैं। जैसे आप स्पीच देने जाते हो, आप अपने गले को थोड़ा क्लीन करते हो ऐसे करके, तो दिस इज नॉन वर्बल क्यू। तो ये क्या है, आपके पैरा लैंग्वेज है, ठीक है। तो पैरा लैंग्वेज में गास्प, साय, ठीक है, आपका क्लियर, आवर थॉट्स, चेंज आवर टोन, एम्फेसाइज सर्टेन वर्ड्स, वेव आवर हैंड्स, फ्रॉन, स्माइल, लाफ, क्राई, तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ पैरा लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जो आपका कम्युनिकेशन कहाँ हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, उसको आप क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन बोलते हैं। प्लैगरिज्म का क्या मतलब है, जो आपके प्लैग्स आ जाते हैं, है ना, आपको पता होगा आपने मास्टर्स में थीसिस बनाई होगी, है ना, या आपने कुछ अपना मेथडोलॉजी बनाई होगी, ठीक है, उसमें क्या है, जो हम थीसिस बनाते हैं या अपना कुछ आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं, उसमें प्लैगरिज्म आ जाता है। प्लैगरिज्म आता है कॉपीराइट, जब आपने किसी चीज से कॉपी की है, ठीक है, कोई आपने क्या करा, जैसे मान लो आपने विकिपीडिया उठा के उसमें डाल दिया, तो वहां पर प्लैग आ जाता है, क्यों, क्योंकि आपने किसी साइट से उठा के वो इन्फॉर्मेशन कॉपी करी है, तो उसको हम बोलते हैं प्लैगरिज्म, ठीक है। यूज ऑफ अनदर पर्सन इन्फॉर्मेशन, लैंग्वेज और आइडियाज विदाउट साइटिंग द ओरिजिनेटर एंड मेकिंग इट अपीयर दैट द यूजर इज द ओरिजिनेटर, ठीक है। जैसा क्या करते हैं, कॉपी करते हैं किसी और की इन्फॉर्मेशन, किसी और के आइडियाज, किसी और की लैंग्वेज, और वहां पे क्या दिखाते हैं कि आप ही क्या हो, इसकी ओरिजिनेटर हो, आपने ही ये चीज डेवलप करी है, तो दिस इज प्लैगरिज्म। प्रोक्सिमिक्स, देखो डोंट कंफ्यूज द प्रोक्सिमिक्स विद क्रोनोमिक्स, ठीक है। क्रोनोमिक्स जो हमने पढ़ा था, दिस इज रिलेटेड टू द टाइम, ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैं प्रोक्सिमिक्स की बात करूं, दिस इज रिलेटेड विद द स्पेस। जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो आप एक स्पेस मेंटेन करते हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है। आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो यू मेंटेन अ सर्टेन स्पेस और अ डिस्टेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द स्टडी ऑफ यूज ऑफ स्पेस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग, तो जो आप स्पेस मेंटेन करते हैं दैट इज प्रोक्सिमिक्स। नाउ र्यूमर्स, ठीक है, र्यूमर्स तो आपको पता ही है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन विच लिटिल बायस इनफैक्ट ऑफन ट्रांसमिटेड थ्रू इनफॉर्मल चैनल्स, जो अफवाह होती है इन इनफॉर्मल चैनल से, जैसे आप बहुत सारी वीडियोज आती है ना, तो वो सारे क्या होते हैं, र्यूमर्स होते हैं। तो वो सब र्यूमर्स का मतलब क्या है, जो आपके पास अफवाहें आती हैं फेक, उसको जो आप मेनली आप इसको फेक इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे आती है आपका, थ्रू द नॉन फॉर्मल चैनल्स, तो ये सारा क्या है, र्यूमर्स का पार्ट है। वर्बल कम्युनिकेशन, जब आप वर्बली कोई चीज कम्युनिकेट करते हो, इसमें आपके पास ओरल एंड रिटन दोनों लैंग्वेज आती है, ठीक है, ओरल लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट आता है वर्टिकल चेन ऑफ कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल को क्या बोला था हमने, गैंग प्लैंक। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे वर्टिकल कम्युनिकेशन की, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, बिटवीन द मेंबर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द सेम हायरार्की, बिटवीन द मैनेजर्स एंड द सबऑर्डिनेट। मतलब इसमें गैंग प्लैंक में क्या था आपका, सेम पोजीशन थी, बट जो डिपार्टमेंट था वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब मैनेजर्स क्या थे, सेम पोजिशन पे थे लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट के थे। अब यहाँ पे क्या होता है, वर्टिकल में इसका उल्टा होता है, ठीक है। वर्टिकल में क्या, जो कम्युनिकेशन दैट फ्लो द अप एंड डाउन, ठीक है, आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन था, डाउनवर्ड था, तो यहाँ पे वर्टिकल कम्युनिकेशन कौन सी होगी, दैट फ्लोज अप एंड डाउन द ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्टिकली आ रही है, ठीक है, ऊपर से जो नीचे आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, वो कौन सी होगी, आपका वर्टिकल चेन होगा कम्युनिकेशन का, ठीक है। यहां पर देखो गैंग प्लैंक या हॉरिजॉन्टल में क्या था, सेम पोजीशन थे, डिपार्टमेंट क्या था, डिफरेंट था। अब यहां पर इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यहां पे डिफरेंट पोजीशन है, ठीक है, बट यहां पे जो डिपार्टमेंट है वो क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरीके की जो कम्युनिकेशन हुई उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं, वेयर एज गैंग प्लैंक और आपका यहां पर हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल जो चेन होती है उसमें क्या होता है, आपका यहाँ पे पोजीशन सेम होती है बट जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल चेन ऑफ कम्युनिकेशन। कमिंग टू द अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, अपवर्ड कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, ये एम्प्लॉयज से कहां जा रही है, जैसे मान लो एम्प्लॉयज है नीचे हायरार्की लेवल में और यहाँ पे मैनेजर है,
तो जब सपोज करो हम कोई फीडबैक दे रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रही है एम्प्लॉय से मैनेजर की तरफ, तो ये होती है अपवर्ड। और अगर मैं डाउनवर्ड की बात करूं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या हो गया, इसका ऑपोजिट हो गया। जब यहाँ पे हायर लेवल, जैसे मान लो वाइस प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज को इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। सो दिस इज डाउनवर्ड डायरेक्शन कम्युनिकेशन, दिस इज अपवर्ड डायरेक्शन कम्युनिकेशन। नाउ ये एक आपका चार्ट है कम्युनिकेशन का, कि कम्युनिकेशन कैसे हम करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट यहाँ पे क्या है, मैसेज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये मैसेज किसने भेजा है, सेंडर। दिस इज सेंडर, इंफॉर्मेशन आई। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को क्या करा, एनकोड किया, कि मैसेज, एनकोडिंग का मतलब मैसेज आपने कैसे भेजा है, क्या आपके फीलिंग्स है, क्या आप सोचते हो उस बारे में, कैसे आपने अपने आइडियाज को एक्सप्रेस किया है, वो सब किस में आता है, एनकोडिंग में आता है। नाउ भेजा क्या है, मैसेज। ठीक है, ये मैसेज को कोड किया, मैसेज किसके थ्रू भेजा है, चैनल के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे चैनल क्या हो सकता है, स्पीकिंग, राइटिंग, ग्राफिक, वीडियोस। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप वीडियोस भेजते हैं, अब जैसे आप दिवाली पे वीडियोस भेजेंगे, ठीक है, थ्रू बाय व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप क्या हो गया, एक चैनल हो गया, आपने मैसेज भेजा थ्रू द वीडियो, तो यहाँ पे मैसेज आपका कैसा भी हो सकता है, आप स्पीकिंग करके कर सकते, जैसे आप ये भेजते हो ना, रिकॉर्डिंग्स भेजते हो। ठीक है, राइटिंग करके, राइट करके लिख सकते हो आप, ठीक है, लिखकर भेज सकते हैं मैसेज, ग्राफिक्स की फॉर्म में जैसे आप GIF वगैरह भेजते हैं, एंड वीडियोस की फॉर्म में मैसेज यहाँ पर जा सकता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर रेसिपिएंट, मतलब यहाँ पे कौन आएगा, रिसीवर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, मैसेज डीकोड, यहाँ पे क्या था, एनकोड हुआ था मैसेज, यहाँ पे क्या होगा, मैसेज को डीकोड किया जाएगा, मतलब उस मैसेज का बिहेवियर या उस मैसेज का आउटपुट चेक किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो आपका जैसे चैनल है, ठीक है, चैनल में काफी बार नॉइस भी आ जाता है। नॉइस का मतलब क्या है, यहाँ पर नॉइस का मतलब होता है जब मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, मैसेज जब खराब हो जाता है उसको आप क्या बोलते हो, नॉइस बोलते हो, या फिर मैसेज डिस्टॉर्शन यहाँ पर बोल सकते हैं। तो सिंपल प्रोसेस क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, सिंपल प्रोसेस क्या है, एनकोडर है जिसने मैसेज को इनकोड करा, मतलब सेंडर। ठीक है, बीच में क्या आएगा, मैसेज आपने भेजा, मैसेज आपका रिटर्न फॉर्म में, ऑरल फॉर्म में, स्पीकिंग फॉर्म में, ग्राफिक फॉर्म में, वीडियोस फॉर्म में जा सकता है, और ये मैसेज किसके थ्रू आ जाता है, बाय द चैनल। ठीक है, और यहाँ पर कौन होता है, रिसीवर होता है, जो कि मैसेज को क्या करता है, डीकोड करता है, और लास्ट में क्या प्रोवाइड करता है, फीडबैक। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फीडबैक मिलता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो आपका एनकोडर है, सेंडर माना जाएगा, मैसेज है, मैसेज किसके द्वारा जा रहा है, चैनल के थ्रू जा रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, मैसेज डिलीवर होना, एंड रिसीवर जो कि मैसेज को डीकोड कर रहा है। तो ये एक प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये किसका प्रोसेस है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो ये प्रोसेस यहाँ पर होता है। तो ये चार्ट है आपका कम्युनिकेशन का। नाउ मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इट इज एसेंशियली अ ब्रिज ऑफ मीनिंग बिटवीन द टू पीपल। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, अपने आइडियाज को, अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, मैसेज को रिसीव करना, ठीक है, या फिर मैसेज को सेंड करना, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना एक लोगों से दूसरे लोगों तक। सो दिस इज द कम्युनिकेशन। एक और क्या है, कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब क्या है, कम्युनिस, इसका मतलब क्या है, कम्युनिकेट करना, अपने फैक्ट्स को, आइडियाज को, इन्फॉर्मेशन को क्या करना, एक्सचेंज करना। ठीक है, थॉट्स को, मैसेजेस को, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना बाय द मीनिंग ऑफ, बाय द वे ऑफ स्पीच, सिग्नल और इन राइटिंग। जैसे आप जो चैनल्स यूज करते हैं, तो चैनल्स क्या है आएंगे, यहाँ पर मीडियम्स आएंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है, एक टू वे प्रोसेस है, जिसमें आपको क्या मिलता है, फीडबैक भी मिलता है, मतलब जो मैसेज रिकॉर्ड करता है वो क्या करता है, फीडबैक भेजता है। तो कम्युनिकेशन में क्या है, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करना, अपने आइडियाज को शेयर करना। ठीक है, तो ये सारा किसका पार्ट आता है, कम्युनिकेशन का आता है।
तो यहाँ पर जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं तो हमें क्या चीज का ध्यान रखना है, फेशियल एक्सप्रेशन, ओरल टोन, बॉडी लैंग्वेज, एबिलिटी टू लिसन विद पेशेंस आर द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इन डिलीवरिंग अ मैसेज। तो जब मैसेज डिलीवर कर रहे हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो आपको किसका ध्यान रखना है, नॉन वर्बल एंड वर्बल क्यूज का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नॉन वर्बल एंड वर्बल क्यूज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब भी आपको इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, जब आप इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान रखोगे, फेशियल एक्सप्रेशन, ओरल टोन, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, आप किसे सुन रहे हैं पेशेंट्स के साथ, तो ये सारा किसमें आता है, आपका वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज में आता है। तो जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें अपना वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज दोनों का ही ध्यान रखना चाहिए। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, वही जो मैंने आपको आगे प्रोसेस बताया। इसमें क्या है, सेंडर है, इनकोडर है जो कि मैसेज को इनकोड कर रहा है, फिर आपका चैनल आता है जिसको आप मीडियम बोलते हैं, जहां से मैसेज जा रहा है, फिर डिकोडर होता है मतलब जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, और लास्ट में डिकोडर क्या करता है, फीडबैक देता है। तो फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है किसके लिए, जब हमें पता चले कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन है या नहीं है। अगर फीडबैक मिलता नहीं है तो दैट मीन्स इट इज नॉट अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बट इफ वी गेट द फीडबैक तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो चुकी है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर अगेन वही सेंडर है, सेंडर ने मैसेज को भेजा, ठीक है, अब यहाँ पे रिसीवर है जो मैसेज को डिकोड करेगा और यहाँ पे सेंडर को फिर से फीडबैक मिलता है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, अगर आपके पास फीडबैक मिल रहा है तो दिस इज अ टाइप ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर क्या है आपका, इट इज हेल्पफुल टू एग्जामिन कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन थ्योरी थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग व्यू पॉइंट्स। अब हम इसमें कम्युनिकेशन की थ्योरी को प्रूफ करते हैं। कम्युनिकेशन क्या है, एक मैकेनिस्टिक होती है, इसका मतलब आपका जो मैसेज जा रहा है वो कितना इफेक्टिव है, ठीक है, जो आप मैसेज भेज रहे हैं वो कितना परफेक्ट तरीके से डिलीवर हो रहा है, वो होता है मैकेनिस्टिक। साइकोलॉजिकल मतलब जो आप मैसेज को भेज रहे हैं, ठीक है, जो आप मैसेज को भेज रहे हैं उसमें आपके फीलिंग्स, इमोशंस क्या, आप कैसे आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहे हो और रिसीवर उसको कैसे फील कर रहा है, कैसे उसको इंटरप्ट कर रहा है, सॉरी इंटरप्रिटेट कर रहा है, कैसे रिसीवर उसको ट्रांसलेट कर रहा है, तो वो साइकोलॉजिकल में आता है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म या सिंबॉलिक इंटरैक्शन, इसका मतलब क्या है, जो आप अपनी आइडियाज को या इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, ठीक है, वो कैसे कर रहे हो, कोई आपका सिंबल्स की फॉर्म में करता है, सिंबल इंटरैक्शन करता है, या कोई सोशल लेवल पे कर रहा है, जैसे आपका पब्लिक स्पीच है, ठीक है, कोई पब्लिक स्पीच दे रहा है, तो सोशल लेवल पे आप कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हो, कैसे अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हो, ठीक है, कौन से कम्युनिकेशन मॉडल्स का यूज कर रहे हो, वो किस में आता है, सोशल इंटरेक्शन में आता है। सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, कि आप जो मैसेज है वो कैसे सिस्टम से भेज रहे हो, अब ऐसा तो नहीं है ना मैसेज है वो ऐसे उड़ के चला गया, नहीं जाएगा ना, एक सिस्टम से जाएगा। सिस्टम मतलब वही सेंडर क्या करता है, इनकोड करता है, फिर आपको फीडबैक मिलता है, सॉरी फिर क्या करता है, सेंडर है, चैनल के थ्रू मैसेज जा रहा है, फिर रिसीवर है उसको डिकोड कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है। तो मैसेज जो एक थ्रूपुट से जाता है, मतलब एक सिस्टम से जाता है, एक पहले मैसेज को एनकोड किया जाता है, फिर यहाँ पे फीडबैक आपको मिलता है। क्रिटिकल का मतलब क्या है, ए सोर्स ऑफ पावर एंड ऑपरेशन ऑपरेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल ग्रुप, इंस्पेक्शन ऑफ पर्टिकुलर थ्योरी ऑन दिस लेवल विल प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑन द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। क्रिटिकल में क्या है, हम कम्युनिकेशन का नेचर देखते हैं, वेदर इट इज वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, किस तरीके का मैसेज यहाँ पे डिलीवर हुआ है, वो सारा किस में आता है, क्रिटिकल पार्ट में आता है। सो जो ये डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या आएंगे, फीचर्स आएंगे, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, सबसे पहले सेंडर है, ठीक है, सेंडर क्या करेगा, यहाँ पे सेंड्स द मैसेज, यहाँ पे आपके मॉडल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेंडर रिसीवर मॉडल आएगा, कैसे आपने मीडिया को चूज किया है, जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो ये सारी चीजें डिपेंड करता है, ठीक है, किस आप ना आज जो सेंडर ने मैसेज भेजा है आपके, वो कैसा मैसेज भेजा है, चॉइस ऑफ मीडिया क्या है, राइटिंग स्टाइल क्या है, कि मतलब जो मैसेज गया है वो रिटर्न फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, कौन से फॉर्म में है, ठीक है, मैनेजमेंट स्टाइल कैसे मीट हो रही है, प्रेजेंटेशन स्टाइल क्या है, फैसिलिटेटर टेक्निक्स क्या है, लिसनिंग टेक्निक क्या है, क्या एम्फेटिक लिसनिंग है कि क्रिटिकल लिसनिंग है, तो ये सारा किस में आता है, आपके फीचर्स में आता है। अब ये फीचर्स कुछ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, स्टैटिक नहीं है, कभी भी कम्युनिकेशन जो है वो रुकती नहीं है, हम अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते रहते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन क्या है, परसुएसिव है,
Persuasion का मतलब क्या होता है? The act of presenting arguments to move, motivate or change your audience is called persuasion. आप कैसे किसी को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, ठीक है? Persuasion का मतलब आप कैसे किसी को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो. जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, एडवर्टाइजमेंट कस्टमर को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि वहां पे बहुत एक ब्यूटीफुल तरीके से उस एडवर्टाइजमेंट को पेश किया जाता है जिसकी वजह से ऑडियंस जो है वो अट्रैक्ट हो जाती है. तो पर्सुएशन का मतलब आप किससे कितने जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, दैट इज पर्सुएशन. तो जब बातचीत करते हैं तो कम्युनिकेशन क्या है, पर्सुएसिव होती है, आप किसी को भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, ठीक है? अगर मैंने आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन बताया यहां से, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगी, जब दिस इज अ टू वे प्रोसेस. टू वे कैसे है, यहाँ पे सेंडर है, रिसीवर है, फीडबैक है, तो ये क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है. इसको आप टू वे को आप डीआर कम्युनिकेशन भी बोलते हैं. मैंने बताया था ना डीआर कम्युनिकेशन पिछली वीडियोस में, डीआर कम्युनिकेशन व्हेन द कम्युनिकेशन इज बिटवीन द टू पीपल, दो लोगों के बीच में जब कम्युनिकेशन हो रही है तो वो डीआर होता है. तो यहां पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे टू वे प्रोसेस होना चाहिए, मतलब डीआर कम्युनिकेशन यहाँ पे होना चाहिए, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होनी चाहिए और फीडबैक यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है. अब यहाँ पे कॉल एंड चैन मॉडल है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, एक टीचिंग मॉडल से जब मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब यहाँ पे कॉल एंड चैन का मॉडल आएगा. ये आपका टीचिंग मॉडल है, ठीक है, टीचिंग या फिर आप क्लासरूम कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं. इसमें क्या है, जब टीचर जो है मैसेज को भेज रहा है, टीचर क्या समझा रहा है, एज अ टीचर आई एम द सेंडर और द इनकोडर. तो मैसेज को हम इनकोड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स तक कैसे मैसेज पहुंचा जा रहा है, क्या चैनल है, ठीक है. जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आई एम द इनकोडर, आई एम द सेंडर. चैनल क्या है मेरा, दिस इज द डिजिटल बॉड, ये क्या है, चैनल है, मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन भेज रही हूँ. सो दिस डिजिटल बॉड इज अ चैनल. और स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को कैसे रिसीव कर रहे हैं, कैसे गेन कर रहे हैं, तो ये आता है कॉल एंड चैन का मॉडल, जिसको आप क्लासरूम कम्युनिकेशन मॉडल भी बोलते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे आता है फीचर में क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे कम्युनिकेशन इज ऑलवेज विद अ कॉन्टेक्स्ट एंड अ रिलेशनशिप एस्पेक्ट बोथ इन द टर्म्स ऑफ व्हाट यू से. यहाँ पे जब हम आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, इमोशंस दिखाते हैं, आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन क्या हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट में होती है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं होती. ऐसी थोड़ा ना आप किसी कुछ भी बोल देते हैं, है ना, इनफॉर्मल में भी आप ऐसे कुछ भी नहीं बोलते हैं. तो यहाँ पे हर एक कम्युनिकेशन एक कॉन्टेक्स्ट में होती है कि आपने क्या बोला है, कैसे बोला है, ठीक है. कुछ मैसेज जो आप कम्युनिकेट करते हो बहुत पोलाइटली करते हो, ठीक है, तो ये सारा क्या है, आपका कम्युनिकेशन हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट में होती है. जैसे आपका प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये सारे क्या है, बहुत पोलाइट तरीके से आप क्या बोल रहे हैं, ये सब चीजें बोल रहे हैं. तो कम्युनिकेशन बहुत पोलाइट भी हो सकती है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. फिफ्थ फीचर का है कम्युनिकेशन एक्सचेंजेस आर बेस्ड ऑन द सिमिट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है. यहाँ पे सिमिट्री का मतलब क्या है, जब जैसे मान लो एग्जाम्पल देखो, टू स्टूडेंट्स हु आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स विल हैव गुड कम्युनिकेशन रिलेशनशिप, दिस विल टर्म द सिमिट्री. देखो अगर आपके पास क्लासरूम में दो बच्चे हैं जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो वो आपस में कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, बट एक की इंग्लिश अच्छी है, एक की मैथ्स अच्छी है, तो उनका इंटरेक्शन प्रॉपर सिमिट्री में नहीं हो पाएगा. तो सिमिट्री का मतलब क्या है, जब कम्युनिकेशन होगा वो दोनों का इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, जब उनके दोनों के सेम व्यूज, सेम आइडिया, सेम फैक्ट्स मिलेंगे. तो इसलिए कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड करता है, सिमिट्री और कॉम्प्लीमेंट्री पे. कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट होता है, सिमिट्री मतलब यहाँ पर सेम होता है. नाउ नेक्स्ट फीचर क्या है, हाँ उसका मैंने एग्जाम्पल बता दिया. कॉम्प्लीमेंट्री का क्या है, वन इज गुड इन मैथमेटिक्स बट पुअर इन इंग्लिश एंड द अदर इज गुड इन इंग्लिश बट पुअर इन मैथमेटिक्स, तो ये कैसा रिलेशनशिप जाएगा इनका, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप जाता है. कॉमन लैंग्वेज, ठीक है, जब आप एक कम्युनिकेशन करते हो तो एक कॉमन लैंग्वेज यूज करते हो. सपोज अब मैं आपको फ्रेंच में पढ़ा दू या जर्मन में पढ़ा दू तो क्या आपको समझ आएगा, नहीं आएगा ना, बिकॉज यू नो हिंदी इंग्लिश, ठीक है, बायलिंगुअल में आप सब लोग पढ़ते हैं. तो हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो एक कॉमन लैंग्वेज का यूज करते हैं ताकि सेंडर जो आप इनकोड कर रहे हो मैसेज को वो भी समझ जाए और जो रिसीवर है मैसेज को जो रिसीव कर रहा है वो भी यहाँ पर समझ जाए. मीटिंग ऑफ माइंड इज नेसेसरी, ठीक है, जब आप बात कर रहे हैं तो किसी के दिमाग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है. तो इसलिए क्या है, अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो आपके किसी के मैसेज को समझना चाहिए. तो ये क्या है, सेवेंथ फीचर्स है. एट फीचर क्या है, द मैसेज मस्ट हैव द सब्सटेंस, मैसेज में कुछ होना चाहिए, कुछ कंटेक्स्ट होना चाहिए मैसेज का, ठीक है. मैसेज क्या होना चाहिए, जो भी जैसे फॉर एग्जांपल एनी डिस्कशन अबाउट क्रिकेट विल बी वेल रिसीव्ड बाय क्रिकेट फैनेटिक, जो क्रिकेट का
यहाँ पे फोन्ड होगा, ठीक है, फैनेटिक मतलब फोन्ड ऑफ, जिसको क्रिकेट का शौक होगा तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन को समझ पाएगा, है ना। जो कोई क्रिकेट देखता ही नहीं उसको क्या चीजें समझ में आएगी, नहीं आएगी ना। तो हमेशा मैसेज हमेशा एक सब्सटेंस में होना चाहिए, जो आप मैसेज को डिलीवर कर रहे हो वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो भी कंडक्टेड डिफरेंट थ्रू जेस्टर्स, आप जेस्टर्स के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे नॉडिंग ऑफ हेड, रोलिंग ऑफ आईज, मूवमेंट ऑफ लिप्स, ये सब क्या है, जेस्टर्स होते हैं जब भी हम अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं। कम्युनिकेशन डिफरेंट टाइप की होती है, इनफॉर्मल, फॉर्मल, वर्बल एंड नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन ऑलवेज हैव अ कंटेक्स्ट, कम्युनिकेशन का क्या है, हमेशा एक कंटेक्स्ट आता है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से कंटेक्स्ट आते हैं, एक फिजिकल कंटेक्स्ट आता है, जब भी आप मैसेज को डिलीवर कर रहे हो, ठीक है, फिजिकल कंटेक्स्ट में, जैसे आप पब्लिक में डिलीवर कर रहे हो, कॉन्फ्रेंस रूम में, क्लास रूम में, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी प्लेस पे जाके कम्युनिकेशन कर रहे हो, सोशल में जब आप सोसाइटी में जाके कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपका रोल और स्टेटस क्या है, ठीक है, कौन सेंडर है, कौन रिसीवर है, आपके सोसाइटी के कल्चर एंड नॉर्म्स क्या है, यहाँ पे बात आती है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन की, कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में बात करते हो, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोगों से बात करते हो, तो यहाँ पे आता है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। तो ये आपके सारे कंटेक्स्ट आते हैं। साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट मतलब आप किसी के फ्रेंड हो तो बहुत फ्रेंडली बात करते हो, कोई अननोन है तो उससे बात करने में घबराते हैं, तो यहाँ पर क्या है, एनवायरमेंट कैसा है, तो ये आता है सोशल कंटेक्स्ट में। टेम्पोरल कंटेक्स्ट, ठीक है, कि किस समय पर आप बात कर रहे हो, जैसे मॉर्निंग में वी यूजुअली टॉक अबाउट रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ड्यूरिंग द डे टाइम इट इज यूजुअली प्रोफेशनल एस्पेक्ट। तो क्या टाइम पे आप बात कर रहे हो, कौन सी बात कर रहे हो, तो दिस इज टेम्पोरल। टेम्पोरल इज रिलेटेड टू द टाइम, कि आप किस टाइम पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे फीडबैक जो है, जो आपको फीडबैक मिला है वो क्या होता है, एक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, या फिर जो मैसेज को कैसे ट्रांसलेट किया गया है उसको हम फीडबैक बोलते हैं। तो फीडबैक किस पे डिपेंड करता है, सेंडर के पास आइडिया होता है कि मैसेज कैसा भेजना है, सेंडर इनकॉर्ड करता है आइडिया को, ये आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। सेंडर मैसेज को ट्रांसमिट करता है थ्रू मीडियम, रिसीवर उसको मैसेज को रिसीव करता है, डिकोड करता है, और यहाँ पे रिसीवर क्या भेजता है, फीडबैक भेजता है। तो फीडबैक क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये टर्म्स और फीचर्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो फटाफट से सेशन को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एवरीवन।